Hello guys, welcome to my apartment. And in this video, I'll be giving you apartment tour. So come on. This is our living room, and यहाँ पर TV भी दी हुई है. So firstly, I'll tell you the price of this apartment. So actually, the real cost of this apartment is 1700 euros, but I got it for 1200 euros per month, and we four people are sharing this apartment. So per person rent is 300 euros. So I'll show you around. This is the dining table that we got, and काफ़ी हमारा जो अपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारी स्कीमें दी हुई है लैंडलॉर्ड ने. ये कॉफ़ी मशीन आप देख सकते हो. सो आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी डेली, एंड आपने अगर मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आई यूज़ टू यूज़ दिस डेली. एंड एक फन फैक्ट बताता हूँ, आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें स्मूदी बनाने के लिए मैं ब्लेंडर यूज़ कर रहा था, बट ब्लेंडर ख़राब हो गया. तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बताया तो उसने मुझे ये स्मूदी मेकर ला के दे दिया, एंड इट इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 120 यूरोज. आई जस्ट सेड हिम कि आई मेक स्मूदीज डेली एंड ही बॉट इट फॉर मी. बेसिकली आई हैव टू लीव इट हियर सो इट्स नॉट फॉर मी, बट आई गॉट इट. सो ही इज़ अ वेरी नाइस मैन. एंड दिस इज ऑल द कटलेरीज दैट वी गॉट. अगेन हियर वी गो, एंड दिस इज ऑल द थिंग्स दैट वी गॉट. दिस इज़ द वेजिटेबल कटर. ये सारी चीज़ें हमें अपार्टमेंट के साथ ही मिली है, तो दिस इज़ वेरी हैंडी. ये ब्रेड टोस्टर भी हमें अपार्टमेंट के साथ मिला. सो ये जो अपार्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट फर्निश्ड है, सारी चीज़ें मिली थी. सो एक्चुअली एन एयरबीएनबी, सो यू गॉट एवरीथिंग. दिस इज़ डिश वॉशर. जर्मनी में मोस्टली सभी घरों में डिश वॉशर रहता है. आई थिंक स्टूडेंट इन मोनहाइम में डिश वॉशर नहीं मिलेगा, बट घरों में डिश वॉशर मिल जाता है. एंड हियर इट गोज. एंड यहाँ पर डस्टबिन दिया हुआ है, दो डस्टबिन एक्चुअली. यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है, एंड यहाँ पर रेस्ट मिल जाता है. पापियर वेस्ट अलग से डालना रहता है, पापियर मीन्स पेपर वेस्ट अलग से डालना रहता है. एंड दिस इज इंडक्शन. जर्मनी में बेसिकली दो टाइप के स्टोव रहते हैं, एक आपकी हॉट प्लेट रहती है और एक इंडक्शन रहता है. मेरे को पर्सनली इंडक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है. बाकी हमें साथ में ओवन भी मिला है, एंड ओवन भी काफ़ी हाई इक्विप्ड है. उसके बाद ये देख सकते हो ये सारे यूटेंसिल्स जो है, जैसे कि फ्राइंग पैन हो गया, ये सारी चीज़ें पहले से मिली थी, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. नाउ आई विल टेक यू टू माय रूम. सो दैट्स अ फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स गो. सो वेलकम टू माय रूम. सो आई विल टेल यू, दिस इज द स्टडी टेबल दैट आई नेवर यूज्ड. So basically this was useless. Tushar used it sometimes. So this is a mirror, this is an open one. यहाँ पर मेरे पूरे कपड़े लाइन से लगे हुए थे, बट आज मेरा इस अपार्टमेंट में आखिरी दिन है. एंड आई रियली लव दिस अपार्टमेंट, क्योंकि काफ़ी लग्जरियस अपार्टमेंट है जैसा कि आप देख सकते हो. एंड ऐसा अपार्टमेंट स्टूडेंट इन 19 में, ऐसा रूम स्टूडेंट इन 19 में नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई एन्जॉय द टाइम हियर. इस अपार्टमेंट की मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगती है कि पूरे अपार्टमेंट में वार्म लाइट्स दी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक एंड काफ़ी अच्छी वाइब आती है इस अपार्टमेंट में. लाइक नींद भी काफ़ी अच्छी आती है. सो आई विल टेल यू, जर्मनी में हीटर्स कुछ इस टाइप से दिए रहते हैं, एंड ये सारी चीज़ है. एंड बैक साइड एक लैम्प दिया हुआ है. पूरा कंप्लीट फर्निश्ड अपार्टमेंट है, एज यू कैन सी. बेडशीट हो गई, ये पिलो हो गया, एवरीथिंग हम लोग को अपार्टमेंट के साथ ही मिली थी. इवन जो टॉवल्स है, ये टॉवल्स भी है, ये अपार्टमेंट के साथ ही दिए हुए थे. नाउ यू हैव टू लीव एवरीथिंग हियर, एंड सारी चीज़ें स्टार्टिंग से खरीदनी पड़ेगी. शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि मैंने ये स्केटबोर्ड खरीदा था. मैं शायद ये 2 से 3 ही दिन गया चलाने के लिए, बट अभी मैं कालश्रो जा रहा हूँ, वहाँ जाके इसको अच्छे से सीखेंगे. अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेके भी जानी है कालश्रो. आई शो यू द वॉशरूम एज वेल. सो दिस इज द वॉशरूम, एंड यहाँ देख सकते हो काफ़ी बड़ा मिरर दिया हुआ है. आई लव दिस मिरर. एंड यहाँ पर भी अगर आप लोगों को बताऊँ तो टॉवल्स दिए हुए थे पूरे कंप्लीट, एंड सारे क्लीनिंग की चीज़ें भी दी हुई थी. सो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग. एंड ये है बाथटब, काफ़ी बड़ा बाथटब है. बाथटब है, टॉयलेट है, छोटा वॉशरूम है, बट अच्छा वॉशरूम दिया हुआ है इन्होंने. नाउ दिस इज़ ऑल्सो ए स्मॉल स्टोरेज स्पेस. तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग की चीज़ें दी हुई है. यहाँ पर भी क्लीनिंग स्टफ है, शैम्पूज वगैरह उन्होंने पहले से सब दे दिए थे. यहाँ पर एक और चीज़, फर्स्ट एड किट दी हुई है, तो ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग से काफ़ी हेल्प आई.
एंड यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर है, सो दिस इज़ इट। उसके बाद यहाँ पर जैकेट्स वगैरह टांग सकते हैं। उसके बाद दिस इज़ अनदर मिरर। अंदर जाएँ तो यहाँ पर ये रूम है, मैं आप लोगों को रूम पहले दिखाया, वो मेरा रूम था, ये मेरे दूसरे रूममेट्स का रूम था। सो यहाँ पर भी विंडो के बाहर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा व्यू तो नहीं है बट स्टिल लाइक इट्स गुड इनफ। सारी चीज़ें पैक हो चुकी है, अपार्टमेंट खाली करके जाना है। एंड हाउ आर यू फीलिंग तुषार, हाउ आर यू फीलिंग लाइक दिस इज़ दी लास्ट डे हियर, हाउ आर यू फीलिंग? रियली गुड। एंड सो वी लास्ट चंदू भाई एज वेल। चंदू ब्रो, हाउ आर यू फीलिंग लाइक दिस इज़ योर लास्ट डे हियर इन दिस सिटी? हाउ डिड यू लाइक दिस सिटी? जस्ट So, do you feel like leaving this not city? Not sure I will get this type of accommodation again in Germany. Goes with me. I don't think कि मेरे को जर्मनी में अभी एक दो साल के अंदर जब तक मेरी स्टडीज चल रही है ऐसा अपार्टमेंट मिल पाएगा। But this was a very luxurious apartment and मैं Airbnb की लिंक भी इसमें डाल दूंगा। ऑफ नंबर पे फॉर्म देने आ रहे हो तो आप कासल में रुक सकते हो एंड ये अपार्टमेंट ले सकते हो। I got it for like 1200 euros but the price is now 1800 euros. We were the first guests here so we got it for a discounted price. I bargained like our Victor for a discount of 500 euros per month, so in total we got a discount of 1000 euros. And so that is it. I hope you like the apartment. And if you have any queries related to apartment in Germany, how do you get one, then you can message me on Instagram. Otherwise you can drop a comment down here. So thank you so much for watching my video. I hope you like it.